Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. I make sure कि अगर किसी का मेरे को DM आता है या कि कोई messages आते हैं मेरे को तो I reply them. मैं particularly सबको reply करता हूँ. That I make sure. मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे कॉल आया तो सबसे पहले ये कहते हैं कि अपनी इंस्टा प्रोफाइल भेज दो. तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इंस्टा प्रोफाइल से वो कैसे एक्टिंग जज कर सकते हैं. आप लोग को भी थॉट्स आते हैं कि यार चलो कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, बट नहीं, क्योंकि एक पैशन है, एक जुनून है, एक्ट करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो पैशन होना बहुत जरूरी है आपके अंदर. इसमें मैंने जैसे ब्रेक लिया हुआ था 3 साल से, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा मेंटली आपको अफेक्ट करता है चीजें कि यार काम नहीं बाहर आ रहा, लोग काम नहीं देखेंगे तो कैसे कैसे और दूसरा काम मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी. तो मेंटली यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग. इफ यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. Hello Varun, welcome to E-Times TV. Hi Sukarna. Sukarna, how Thank are you doing? So I am doing good, fine, better actually. Not well since last 2-3 days. Thoda cold and cough tha, but now I'm recovering. I'm better. Yeah. Wish you a happy new year first of all. Same to you, Sukarna. Wish you the same. So tell us, how has it been playing the role of Chirag Modi in तेरा मेरा साथ रहे? How is the response been so far? Amazing response I'm getting, amazing. क्योंकि I guess after so many years I'm doing a positive role and people are loving the comedy timing and the scenes which are coming out. I am getting a huge and absolutely brilliant response. I mean, Diya aur Baati mein, like your role became quite popular and recognition bhi tha. Like after that, like you stayed away from the screen for some bit yes, of time. Yes, like, yes. Like was it a conscious decision at that point? Yes, it was. It was a conscious decision because I wanted to explore other mediums as well. Mujhe web karna tha. So maine TV 3-4 saal ke liye break le liya tha. मैंने वर्कशॉप्स की उस दौरान, कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स की, अपने पे थोड़ा फोकस किया, अपनी हेल्थ पे फोकस किया, अपनी फैमिली पे फोकस किया, और आई डिड 4 वेब सीरीज ड्यूरिंग दोस 3 इयर्स. बट अब वेब का क्या होता है कि इट्स लाइक फिल्म्स, आप एक प्रिपरेशन शुरू होती है, फिर आप ऑन फ्लोर जाते हो, उसके बाद पोस्ट का काम चलता है, उसके बाद OTTs पे जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना डील करते हैं वो कब आएगी वेब सीरीज. तो अभी ऑलमोस्ट 3 वेब सीरीज मेरी रिलीज नहीं हुई है जो मैंने लॉकडाउन से पहले शूट कर ली थी. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. तो अभी आई हैड लॉट ऑफ इनफ फ्री टाइम, सो आई थॉट आई विल जस्ट गेट बैक टीवी पे, क्योंकि एक्टिंग बहुत जरूरी है. आप कुछ ना कुछ करते रहो हमेशा, मतलब एकदम से भी आप जब आउट ऑफ टच हो जाते हो तो लोग आपको पहचानना भूल जाते हैं, मतलब आपकी. तो इट्स वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज वर्क एंड सबकी नजर में रहना एज एन एक्टर. ये मैंने जान लिया है इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होता है कि आप काम करते रहो, दिखते रहो. वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है. तो वैसा था क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. मैं मतलब आई डोंट लाइक टू सोशलाइज, आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई लव माई स्पेस. मतलब मुझे ये है कि आप एक्टिंग करवा लो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्टीज में जाना और वो सारी चीजें करना वो मेरे से नहीं हो पाता. सोशलाइजिंग बट एज एन एक्टर बहुत जरूरी है. मैंने रियलाइज किया कि सोशलाइजिंग करना भी बहुत जरूरी है, मिलना जुलना भी बहुत जरूरी है. आजकल तो मतलब बिना इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखे कोई काम नहीं देता. तो वो बड़ा इशू है एक हम एक्टर्स के लिए. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, लेट्स सी, आई एम वर्किंग ऑन दैट. My next question was this, जे के आपने जो बोला, जो दिखता है वो बिकता है, and now like with rise of social media, कितने followers है, कितने videos है, आप कितना interactive हो fans के साथ, it's become very important. So like as you said, you are quite introvert as a person. Does it get difficult for you? It is very difficult. Very difficult. Very difficult because क्या होता है कि I doubt मैं मतलब hardly एक बार live गया हूँगा Instagram पे जब से मैंने Instagram वो किया है.
आई नो मतलब होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए अपने फैंस के साथ, बट ये कि आई मेक श्योर कि अगर किसी का मेरे को डीएम आता है या कि कोई मैसेजेस आते हैं मेरे को, तो आई रिप्लाई देम. मैं पर्टिकुलरली सबको रिप्लाई करता हूँ, दैट आई मेक श्योर. हाँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट जरूर हूँ, मतलब मुझे जैसे मैंने आपको बताया सोशलाइजिंग करना, मेरे बहुत कम लिमिटेड दोस्त हैं, 5 या 6 दोस्त हैं, वो भी इंडस्ट्री के नहीं होंगे, बहुत कम इंडस्ट्री के दोस्त हैं. तो आई लाइक माय स्पेस एंड आई लाइक माय पीपल अराउंड, बस दैट्स इट, दैट्स माय वर्ल्ड. और मैं बहुत फैमिली वो हूँ, मुझे मेरी फैमिली से बहुत लगाव है, बहुत अटैच्ड हूँ. तो आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है. तो आई गो टू हिमाचल, आई स्टे देयर फॉर अ वीक और सो, आई स्पेंड माय मी टाइम एंड आई कम बैक. तो ऐसा है, बट नाउ अभी आई एम यू नो चेंजिंग अ बिट, थोड़ा सा मैं और एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, थोड़ी रील्स बना के लोगों का मनोरंजन करके, क्योंकि हम कलाकार हैं हमारा काम ही यही है कि लोगों को एंटरटेन करना. So I am doing it. I am doing it. I am trying. But abhi like as an actor, did you face this ke aapko pucha gaya ho ke kitne followers hai, us hisab se role milega? Correct. Jab bhi jaise main naam nahi lunga, kuch production houses se mujhe call aaya, to sabse pehle ye kehte ki apni insta profile bhej do, to mujhe ek cheez samajh mein nahi aati ki insta profile se wo kaise acting judge kar sakte hain aapki. मतलब रील से मैं क्या उनको एक्टिंग करके वो क्या जज कर लेंगे. तो मुझे ये पॉइंट हमेशा से उठाना था कि दिस इज नॉट अ राइट वे टू जज एन एक्टर, कि आप इंस्टा रील से या उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देख के आप उनको अगर आप जज कर रहे हो या उनके कितने फॉलोअर्स तो कोई भी खरीद सकता है. आज मैं मतलब 100K फॉलोअर्स ऐसी खरीद लूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है ना, दिस नो पॉइंट. तो आई बिलीव इन ऑर्गेनिक फॉलोइंग एंड यू नो people appreciating your work organically. आपको जो DMs आते हैं, जो messages आते हैं Instagram पे, उससे पता लगता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, rather than following इसकी ज़्यादा तो ये अच्छा होगा. वो मतलब मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती, इसलिए might be मैं थोड़ा इतना active नहीं था Instagram पे, because I used to believe कि ये मतलब मैं एक actor हूँ और मतलब ये Instagram मेरे लिए इतना important नहीं है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी एक्टिंग, या मेरे को उस पे वर्क करना, खुद पे वर्क करना और परफॉर्म करना सेट पे जाके, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जाके दिन में 2 घंटे निकाल के रील बनाऊं या अपने पे काम करूं. तो आई फोकस मोर ऑन दैट देन रील्स एंड स्टफ. Varun, I'll have to ask you, जैसे आपने बोला that you took time off and you were concentrating on other platforms. So like if I'm talking about projects, as in an actor's life, a lot of things come into consideration, like financial part, professional part, कि आप एक काम पे मेहनत कर रहे हो and then it is not seeing the light of the day. So, mentally or like financially, professionally, what all things you go through as an actor when a project doesn't see the light of the day? बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है मेंटली भी फिजिकली भी. जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पाती एक प्रोजेक्ट से. तो मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट हमने किया था, वो हमने गोवा में शूट की थी, तो एक महीना ऑलमोस्ट हम गोवा में थे, बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बट अभी तक वो बाहर नहीं आई है. और उसमें मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. ऐसी और 2 वेब सीरीज मैं कर चुका हूँ जिसमें मेरा मेजर लीड है अब, लेकिन दोनों अभी तक रिलीज नहीं हुई है. बट वही 3 साल हो गए थे. आपको लगता है कि जब एक प्रोजेक्ट आपका बाहर आएगा, लोग देखेंगे आपका काम, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट वो नहीं आ पा रहे हैं फॉर सम अदर रीजंस. प्रोड्यूस वो आप इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, वो कैसे डील कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसमें हमारा एक्टर का काम होता है, एक्ट किया खत्म हो गया, आप आ गए घर वापस. अब प्रोड्यूसर का काम शुरू होता है कि उसको बेचना है, किस OTT पे बेचना है, उसको कैसे डील करना है, क्या करना है. तो वी आर जस्ट वेटिंग.
अब इसमें मैंने जैसे ब्रेक लिया हुआ था 3 साल से, तो ऑब्वियसली थोड़ा मेंटली आपको इफेक्ट करता है चीजें कि यार काम नहीं बाहर आ रहा, लोग काम नहीं देखेंगे तो कैसे कैसे और दूसरा काम मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी. सो दैट वॉज द रीजन आई ज्वाइन दिस 13 मेरा साथ रहे कि एटलीस्ट कुछ नहीं करने से अच्छा मैं कुछ चलो टीवी वापस शुरू करता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो वर्क. नहीं तो आप मेंटली स्ट्रेस होते हो, फिर आप उसको आप ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप बीमार हो रहे हो फिजिकली भी. एज एन एक्टर यू नो सबसे ज्यादा डिप्रेशन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री में लोगों को क्यों होता है, क्योंकि आप घर से दूर आए हुए हो, आप को प्रोजेक्ट से मिल रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट इजी फॉर एन एक्टर. तो जितने भी अपकमिंग एक्टर्स होंगे मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप बॉम्बे एक्टिंग करने आ रहे हो तो बहुत मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है यहाँ पे. अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो मतलब मत आओ, आप प्रिपेयर होके आओ कि या एक सर्टन टाइम पीरियड देके आओ अपने आप को कि हाँ मैं 1 साल ट्राई करूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए बहुत पैसे चाहिए बॉम्बे में. पहली बात आपको रेंट भरना है, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप को मेंटेन रखना है, फिजिकली फिट रहना है, आपको आपकी डाइट देखनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो लोगों को लगता है कि हाँ एक्टर एक्टिंग करना बहुत इजी होता है, कोई बात नहीं जाके डायलॉग बोल के हम आ जाएंगे, बट उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो बहुत टायरिंग और बहुत सफोकेटिंग और बहुत बहुत एग्जॉस्टिंग होता है जो नहीं दिखता पर्दे पे. तो मेंटली यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग. इफ यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, अदरवाइज It's not possible, not at all possible to act. And और meanwhile क्या होता है कि जैसे अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है पर्दे के पीछे वो लोगों को नहीं पता. मैं किस चीज़ों से गुजर रहा हूँ, कोई भी अगर मेरी लाइफ में एक्स वाई जेड प्रॉब्लम्स हैं, बट वो मैं ऑन स्क्रीन शो नहीं कर सकता. तो वो सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए और फोकस्ड हो गए अपने काम पे कि मतलब आपको पता है आपको क्या करना है, तो तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. आप एक्ट नहीं कर पाओगे और जब आप एक्ट नहीं कर पाओगे तो आपको कोई काम नहीं देगा. तो वो सारी चीजें ध्यान रखते हुए ही अगर कोई आना चाहता है तो आए, और मेंटली नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कई बार, मतलब एज एन एक्टर कई बार हम लोग को भी थॉट्स आते हैं कि यार चलो कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, बट नहीं, क्योंकि एक पैशन है, एक जुनून है एक्ट करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो पैशन होना बहुत जरूरी है आपके अंदर. तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग. सो आई विल आस्क यू दिस के जैसे 3 साल आप टीवी में नहीं थे, यू आर वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियली दिस टू इयर्स हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी. फाइनेंशियली हाउ how were you managing things, or did you face any difficulties? So to be honest, I never faced any difficulties financially, kyunki maine apne aap ko itna stable rakha hua hai ki no matter what kuch bhi problems ho, I have my own savings. Aur pichle 15 saal se maine ghar se ek paisa nahi manga. I've been on my own in Bombay, kyunki bahut kam logon ko pata hai ki main Bombay आया एक्टिंग करने नहीं था. आई वॉज इन टू डायमंड ज्वेलरी बिजनेस, तो मैं यहाँ पे डायमंड का काम सीखने आया था जो मेरे घर वालों ने मुझे भेजा था, बट एक्टिंग वॉज माई चॉइस. तो जिस दिन मैंने चूज किया था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, उस दिन से मैंने घर से पैसे मांगने बंद कर दिए थे. एंड थैंकफुली आई हैव बीन सर्वाइविंग ऑफ माई ओन, एंड कभी मुझे दिक्कत नहीं हुई पैसों की. So, उस वे में I'm very lucky. And my next question was like, how did acting happen to you, and what are the struggles you have faced? How has been your survival story in Mumbai as an actor? So it's a very interesting story. मतलब मुझे थोड़ी लंबी है, अगर 10-5 मिनट आप अगर देंगे तो बहुत interesting story है, क्योंकि मेरे दादाजी का gold का business था, gold jewelry का. So he always wanted me to go into diamond line. So main diamond ka kaam seekhne Bombay aaya tha, loose diamonds ka grading, assortment, shading. To us time pe Panch Ratna mein office hua karta tha, Opera House mein. To wahan maine join kiya, ek company ko join kiya, aur 1.5 saal maine kaam seekha.
And that point of time, I had no clue about acting, or I have never ever thought in my wildest imagination कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं बॉम्बे आया ही वो काम करने था. तो डेढ़ साल मैंने काम किया वो, उसके बाद मैंने मेरे कजन के साथ ज्वेलरी का काम किया, डायमंड ज्वेलरी का काम किया. फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था दिल्ली से, वो एक्टर बनने आया था. तो ही टोल्ड मी कि तू क्यों नहीं एक्टिंग ट्राई करता. मैंने कहा मेरे को एक्टिंग का ये भी नहीं आता, तो मैं कहाँ से ट्राई कर लूंगा. कहता नहीं नहीं नहीं, उसने मेरा फोटोशूट करा दिया जबरदस्ती. और उस टाइम पे मैं ऑफिस जाता था, डायमंड ऑफिस जाता था. तो एक ही ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड माई पिक्चर्स टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स. उस टाइम पे बहुत अच्छी कोऑर्डिनेटर होती थी एक, उनको दे दी पिक्चर. उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन कि आप आ सकते हो एक सेट पे, एक लुक टेस्ट करना है. तो आई हैड नो क्लू अबाउट लुक टेस्ट एंड ऑडिशंस एंड स्टफ, आई हैड नो आइडिया. तो मैं ऑफिस से घर जा रहा था रात को, मुझे कॉल आया, आई वेंट देयर. तो वहाँ रिया सेन और रणदीप हुडा का एक फिल्म की शूट चल रही थी, और बहुत सारे एक्टर्स आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे ऑडिशन देने आए हुए थे. तो मेरा भी उन्होंने दो तीन लाइन दी, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे पढ़ना होता और आपको परफॉर्म करना होगा. आई सेड ओके फाइन, आई ट्राई. तो आई डिड दैट, और वो मेरा फ्रेंड भी वहीं था लुक टेस्ट के लिए. एंड आई गॉट सेलेक्टेड ऑन द स्पॉट कि हाँ ठीक है, आप कल से शूट पे आ जाइए. ऐसे शूट पे आ जाइए मतलब, कहते हाँ आप लोग आ जाइए, कल चार पांच दिन का शूट है, रिया सेन और रणदीप हुडा के साथ अच्छे सीन्स हैं, पांच छह सीन्स हैं. आई सेड ओके फाइन. तो मैं घर गया. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर पे कैसे बताऊं कि ऐसा सा शूट है या जो भी है. तो आई सेड कि ओके मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आई इन्फॉर्म देम कि मैंने ये किया. अगले दिन मैं शूट पे गया, तो तीन चार दिन शूट चला, मैं तीन चार दिन ऑफिस स्किप किया अपना. तो मेरे भैया ने घर पे फोन कर दिया कि ये ऑफिस नहीं आ रहा है, कुछ तो है बात, आप पूछो कि क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरे को तो नहीं बता रहा है. तो देन माई मॉम कॉल्ड मी कि व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू योर ऑफिस एंड व्हाई आर नॉट वर्किंग. देन आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा ये हुआ मेरे साथ, एंड शी कुडंट बिलीव मैं ये कर रहा हूँ. फिर शी स्कोल्डेड, शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी कि क्या करने गया था, क्या कर रहा है. ऐसा नहीं, अब हो गया, कर दिया, तो ऐसा ऐसा है. और आई फेल्ट गुड, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, मेरे सामने रिया सेन है, रणदीप हुडा है, और मैं, मुझे अच्छा लगा. आई फेल्ट गुड, आई सेड कि आई शुड एटलीस्ट ट्राई. तो मुझे पता लगा कि एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं, एड्स में एक दिन का काम होता है, आप एक दिन का शूट होगा और आप जल्दी फ्री हो जाते हैं. तो आई स्टार्टेड डूइंग टीवी कमर्शियल्स दैट टाइम. सो आई स्टार्टेड ट्राइंग फॉर टीवी कमर्शियल, देन आई वाज गेटिंग इट. तो जब एक दो बार घर वालों ने मेरे को टीवी पे देखा, कमर्शियल पे देखा, देन दे वर प्रीटी हैप्पी कि हाँ हमारा लड़का आ रहा है टीवी पे. देन दे वर ओके, क्वाइट ओके विद इट कि हाँ ठीक है चलते, तो साइड में ट्राई करना है तो कर, कोई दिक्कत नहीं है. तो आई स्टार्टेड माय करियर विद टीवी कमर्शियल्स बेसिकली. फर्स्ट फिल्म आई डिड विद रिया सेन एंड रणदीप हुडा, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग टीवी कमर्शियल्स. लॉट ऑफ टीवी कमर्शियल्स आई डिड, मतलब मोजेबेयर, कॉर्नेटो, बहुत सारी टीवी कमर्शियल्स किया मैंने. Then I went for this look test for Kali. Kali एक show आता था, Kali एक अग्नि परीक्षा. तो मैं actually उसके लिए भी मैं नहीं गया था, मेरा एक friend गया था, and he forced me कि तू भी चल और एक बार दे दे look test. और वो TV का मेरा पहला look test था, मैंने कभी I guess नहीं दिया था look test वगैरह इतने. तो वो दिया, and अभिज्ञान झा और मृणाल झा, I'm always grateful to them, क्योंकि उन्होंने मेरे को मेरा टीवी का पहला ब्रेक दिया था. तो आई डिड काली इन 2009-10. तो काली 9 महीने चला, उसके बाद काली खत्म हुआ तो आई गॉट बिहाबादी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. फिर मेरा डायमंड का काम पीछे छूट गया, और देन आई कंप्लीटली बिकेम एन एक्टर. So this was the story. So acting just happened to me. I had no idea about it ki main actor banunga kabhi, but ban gaya. So us time to like social media nahi tha itna, but jo dheere dheere aapko recognition mil raha tha, log aapko jaan rahe the, how was that feeling at that point? It was an amazing feeling, kyunki diya baati ke time tak log acche se pehchanne lag gaye the mujhe. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल एनीवेयर, मतलब अगर मैं घर पे भी जाता था या एनीवेयर, मतलब
एक बार एक फ्रेंड की शादी में चला गया था, बड़ोदरा शायद गया था या कहीं तो गया था, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस। तो हम सब हमारा कॉमन फ्रेंड था, तो हमारे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हुआ करता थे, तो सब लोग गए थे, मैं भी चला गया। तो उस वहां जाके आई रियलाइज कि टीवी की रीच कितनी है, मतलब आई हैड नो आइडिया अबाउट इट कि इतना रिलीजियसली लोग टीवी फॉलो करते हैं छोटे छोटे शहरों में, कि उसकी शादी चल रही है मंडप में वो बैठा है, पर वहां पे मेरे से मिलने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, एंड आई लिटरली हैड टू रन अवे फ्रॉम द वेन्यू। मतलब मेरे को लिटरली जाना पड़ा, मुझे अजीब लग रहा था कि उसकी शादी हो रही है, उसको तो पूछ लो कोई, क्योंकि लोग इतने अमेज से कि दियाबाती उस टाइम पे इट वॉज अ बिग थिंग दियाबाती फॉर पीपल। तो मतलब दियाबाती से अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को लोग आज भी मोहित के नाम से पहचानते हैं। तो टीवी की रीच बहुत बहुत है। व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल ना, घर पे भी पंजाब भी जाता था, तो आई लिटरली हैड टू टेल माय पेरेंट्स कि आप प्लीज किसी को मत बोलना कि आई एम कमिंग, क्योंकि मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता था। रैंडमली लोग आ जाते थे घर पे मिलने, जो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं जानते हैं, सीधा बेल बजा के अंदर आ जाते थे कि हमें मिलना है, हमारे शहर से लड़का है, हमें मिलना है। तो अच्छा भी लगता था, बट एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ तो मेरे को मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो भी होता था। बट टीवी की रीच बहुत बहुत अमेजिंग है, मतलब छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे गांवों में लोग पहचानते हैं आपको अगर आप टीवी करते हो, तो अच्छा है, अच्छा लगता है when people appreciate and come and appreciate your work. मुझे तो आई रिमेम्बर मुझे सड़क पे मुझे सिग्नल पे गालियां तक पड़ी हुई हैं आंटी से फॉर दिस थिंग, मोहित के लिए कैरेक्टर के लिए विच आई प्लेड, विच एट द एंड जो आपने अगर नोटिस किया होगा मैं नेगेटिव हो गया था उसमें, तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। तो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू कन्विंस देम कि वो एक प्ले कर रहा हूँ मैं कैरेक्टर, ऐसा रियलिटी नहीं है, बट फिर लगता था कि हाँ आई एम डूइंग माय जॉब करेक्टली, अगर ये इतने कन्विंस्ड हैं मेरी एक्टिंग से तभी वो मुझे सुना रहे हैं, सो इट्स गुड इन अ वे। सो उससे ये भी पता चलता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना नहीं अच्छा काम कर रहे हो, या किस पे आपको जरूरत है काम करने की अपने आप पे, तो अच्छा था, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। सो डायमंड का काम सीखने आए थे मुंबई में, एंड देन एज एन एक्टर लिविंग इन मुंबई, what stark did you face any stark difference while living as an actor or like when living a like just working? I to be honest I'm a very simple guy, matlab mere mein wo actor vector wali baat hai hi nahi, main bahut bahut simple hu, mera jo standard of living ya living style aap bolenge bahut simple hai mujhe, kyunki bachpan se main aise hi raha hu, ek middle class family hamara, खेतों में पला बड़ा हूँ मैं, और हमारे फार्म हाउस है हमारा वहाँ पे, तो बचपन से जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है मैं वैसा ही हूँ अभी भी, मैं कुछ चेंज नहीं हुआ हूँ यहाँ के, कि मैं एक्टर बन गया हूँ तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमेशा अच्छा दिखना है, और यू नो कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं एकदम टिप टॉप बन के जाऊँगा कि लोग देखेंगे एक्टर आया है, मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी पहन के चला जाता हूँ, और जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, आई मीन I don't see a point, you know, changing myself just because I'm an actor. So I'm like that. यही है, और तो कुछ है नहीं, मतलब I'm a very simple guy. And तो मैं अभी भी मतलब घर पे भी मैं cooking भी करता हूँ, और मैं खुद का though I have two servants at home, but जब मेरा मन होता है तो मैं अपना खुद खाना बनाता हूँ, या क्योंकि शुरू से ऐसी रहता आ रहा हूं मैं, तो वो आदतें जो आप शुरू से जैसे आप रहते हो वो आदतें जाती नहीं है आपके अंदर से, तो वैसे ही हूं मैं, I'm very simple, I have a very simple lifestyle. I mean, spending so many years in the TV industry, has there been any low point in your life where you felt कि कुछ और करना चाहिए था? ये पैंडेमिक में 2 साल जब घर पे बैठे थे हम लोग, कुछ नहीं कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि साथ में कुछ कर सकते थे। इनफैक्ट मैंने किया भी था एक, आई डिड अ स्टार्टअप बीच में, मतलब पैंडेमिक से पहले,
तो मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया था कवरिंग करके, जिसमें ब्लेजर्स यूज टू मेक. सो आई हैड दिस इन हाउस डिजाइनर विच शी यूज टू डिजाइन ब्लेजर्स फॉर मेन एंड वुमेन डिजाइनर ब्लेजर्स, बट वो फॉर सम रीजन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो मुझे रेस्टोरेंट्स मतलब आई एम अ फूडी, तो मुझे मेरा एक है कि जब भी इफ पॉसिबल आगे जाके मेरे को अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है, भले ही छोटा सा हो या जैसा भी हो, आई सो वॉन्ट टू गेट इन टू दैट बिजनेस. सो लेट्स सी, आई एम प्लानिंग. साइड में ऑफकोर्स होना चाहिए, अगर आप एक्टर हो तो आपको साइड में कुछ ना कुछ करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, सिर्फ एक्टिंग पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते. आज प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, उसके बाद 6 महीने आपको घर पे भी बैठना पड़ता है, और वो जो 6 महीने होते हैं अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो. आप बहुत बहुत मुश्किल होता है वो फेज, यू नो. तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को ऑक्यूपाई रखो और अपने आप को खुश रखो, बस बहुत जरूरी है एज एन एक्टर. टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन चालू है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस आर यू ऑल टेकिंग ऑन द सेट्स पर्सनली, एंड लाइक डू यू फील देयर इज एनी अनसर्टेनिटी कि फिर से शूट बंद हो सकते हैं? डेफिनेटली शूट बंद तो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि एवरीवन इज प्रिपेयर्ड नाउ, क्योंकि हम सबको पता है कि ये बहुत केसेस डबल ट्रिपल बढ़ रहे हैं, और हर सेट पे तीन चार केसेस निकल रहे हैं. तो उसके लिए मतलब जो प्रोडक्शन है वो पहले से प्रिपेयर्ड है, और उन्होंने हम सबको बोल दिया है कि इफ इन केस लॉकडाउन लगता है या शूट्स बंद होते हैं तो वी माइट ट्रैवल समवेयर. जैसे बायो बबल में हम शूट करेंगे, जो पहले लोग प्रिपेयर नहीं थे पहले उसमें लॉकडाउन में, बट अब नाउ वी आर यूज्ड टू इट. तो सब प्रेप अपना करके कहीं पे लोकेशन हंटिंग चालू हो गई है, कहाँ जाके शूट कर सकते हैं, कहाँ पे सेफ है, वो सारी चीजें हैं. और सेट की रही बात, तो सेट रोज सैनिटाइज होता है सुबह. हाँ, हम एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम मास्क नहीं पहन सकते ड्यूरिंग आर शूट्स, हमें मास्क उतारना ही पड़ता है एक पॉइंट पे. ये कि जितना प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, मतलब जितनी देर हम मास्क पहन के बैठ सकते हैं, और अगर हमें कोई दिखता है जिसने मास्क नीचे किया होगा तो हम सीधा बोल देते हैं कि आप प्लीज मास्क ऊपर करो, हाथ सैनिटाइज करो. जैसे मेकअप वाले हैं तो कोई भी मेकअप करने आता है तो पहले उसको सैनिटाइज करते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, मास्क पहनाते हैं, उसके बाद आप करो. तो जितना ज्यादा प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं हम ले रहे हैं, बाकी अब जब जिसको जो होना है तो वो होना ही हो, तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कैरियर कौन है. अभी इतने एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ गए हैं कि लोगों को भी नहीं पता कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब टेस्ट आ रहा है तो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं. तो इट्स वेरी स्केरी एट द सेम टाइम, बट यू जस्ट कांट हेल्प इट. ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप बस जितना ध्यान हो सकता है आप रखो अपना, हाथ सैनिटाइज करते रहो, मास्क पहन के रहो हमेशा, थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखो सेट पे सबसे, दैट्स इट. और कुछ नहीं कर सकते हम अभी, वी जस्ट वी कैन होप कि ये जो सिचुएशन है जल्दी ये टाइम निकल जाए और वापस अपनी लाइफ नॉर्मल हो. सारे अभी क्या है, एक प्रॉब्लम और हो रही है, पिछले कुछ दिनों से वायरल बहुत फैला हुआ है. तो एवरी सेकेंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ एंड फीवर. तो अगर नॉर्मल कोल्ड भी है तो ऐसा लगता है इसको कोविड हो गया है, या नॉर्मल फ्लू भी हुआ है, या नॉर्मल गला खराब भी है तो ऐसा लगता है कि कोविड हो गया है. तो ये एक अलग सिनेरियो फैला हुआ है, क्योंकि वेदर चेंज हुआ था, 2-3 दिन पहले बारिश हो गई थी, मेरे को खुद कोल्ड कफ हो गया था, आई डिड माय टेस्ट. तो पैनिक क्रिएट हो जाता है बहुत जल्दी चीजों का. तो हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये सबको होना है एक बार, तो उससे घबरा के कोई फायदा नहीं है. क्योंकि हम घबराते हैं तो हमारी और इम्यूनिटी वीक होती है, हम अपनी इम्यूनिटी खुद ही वीक कर लेते हैं पैनिक करके. तो वी नीड टू रिलैक्स एंड यू नो दिस टू शैल पास. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. थैंक यू, बी सेफ एंड या थैंक यू सो मच. बाय. All right. Bye-bye.